जब हम प्रदूषण की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में चार प्रकार के प्रदूषण की बात ही आती है। वो है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। मगर इसके अलावा एक और प्रदूषण भी हमारे आसपास बेहद तेजी से फैल रहा है, जिसकी तरफ हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता। या यूं कहें कि उस प्रदूषण के बीच रहने के बावजूद हमें इस बात की भनक तक नहीं है कि ये भी एक तरह का प्रदूषण है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रकाश प्रदूषण की। आजकल शाम होते ही शहरों की सड़कें LED लाइट की रोशनी में जगमगाने लगती हैं। दरअसल सरकार बिजली के खर्चे में कमी लाने की कोशिश में है। इसी क्रम में सड़कों, पार्कों, सरकारी दफ्तरों समेत तकरीबन हर जगह LED लाइट के उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। आलम यह है कि LED लाइट का इस्तेमाल अब गाँवों में भी हो रहा है। गांव की सड़कें, रास्ते और सार्वजनिक जगह भी अब LED लाइट की रोशनी से जगमगा रहे हैं। वजह यह है कि सोडियम लाइट की तुलना में LED लाइट में ऊर्जा की खपत 40% तक कम हो जाती है। ये बात तो सही है कि LED लाइट में ऊर्जा की खपत कम होती है, मगर इससे होने वाले प्रकाश के कुछ नुकसान भी हैं जो प्रकाश प्रदूषण की श्रेणी में आते हैं। हालांकि अभी प्रकाश प्रदूषण को लेकर लोग ज़्यादा जागरूक नहीं हुए हैं। दरअसल LED में कोल्ड ब्लू वेवलेंथ की रोशनी होती है। यह वे तरंगें होती हैं जो प्रकाश के प्रदूषण को तेज करती हैं। क्योंकि LED लाइट ऊर्जा की खपत कम करती है, इसलिए इनका जमकर इस्तेमाल हो रहा है। शॉपिंग मॉल्स, सिनेमा हॉल और बाजारों में भी चौंधिया देने वाली रोशनी का रिवाज आम हो चुका है। जाहिर है कि इसके कुछ दूसरे नतीजे भी होंगे, जिसे हम प्रकाश प्रदूषण कहते हैं। आज माइग्रेन, सिरदर्द, थकावट, चिड़चिड़ापन जैसी शिकायत बढ़ती जा रही है, जिसकी एक बड़ी वजह प्रकाश प्रदूषण भी है। प्रकाश प्रदूषण एक ऐसी समस्या है जिसका तात्कालिक रूप में इंसानी जिंदगी, स्वास्थ्य या पर्यावरण पर कोई असर भले ही न दिखे, मगर दीर्घकालिक रूप में ये हमें और हमारे आसपास के पर्यावरण पर बेहद प्रभाव डाल रहा है। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है कि प्रकाश प्रदूषण का असर इंसानों से ज़्यादा पशु पक्षियों, वनस्पतियों और हमारे पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ रहा है। इंसान की आंखों में दो तरह के विज़न होते हैं, पहला कून विज़न और दूसरा रॉड विज़न। जब हम रोशनी में चीज़ों को देखते हैं तो हमारी आँखें कून विज़न का इस्तेमाल करती हैं, और जब हम अंधेरे में देखते हैं तो समय हमारी आँखें रॉड विज़न मोड में होती हैं। 2001 में अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में हुए शोध के मुताबिक वहाँ के चकाचौंध भरे जीवन की वजह से वहाँ रहने वाले लोगों में रॉड विज़न का प्रयोग ही नहीं हो रहा, जिसके चलते ये धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा है। यानी वहाँ के लोगों की आँखें रात में देखने की क्षमता को धीरे धीरे खोती जा रही है। अगर दिन और रात की रोशनी में अंतर नहीं रहा तो आने वाले समय में इंसान अंधेरे में देखने के काबिल ही नहीं रह जाएगा। हमारे शरीर में मेलाटोनिन नामक एक हार्मोन का निर्माण तभी संभव है जब हमारे आँखों को अंधेरा होने का संकेत मिलता है। मेलाटोनिन का काम शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता से लेकर कोलेस्ट्रॉल में कमी लाना है। साथ ही स्वस्थ शरीर के लिए अहम कुछ और कामों को भी ये करता है। ये तो रही इंसानों की बात, प्रकाश प्रदूषण जानवरों, वनस्पतियों और नदियों तक पर भी अपना असर डालता है। लखनऊ विश्वविद्यालय में जंतु विज्ञान विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर गीतांजलि मिश्रा के मुताबिक आदमियों ने अपनी परिधि बढ़ा ली है, जिससे जानवरों के प्राकृतिक वास में दिक्कत आ रही है। महानगरों में रात भर लाइट और चकाचौंध के चलते निशाचर प्राणियों की फीडिंग से लेकर रिप्रोडक्शन तक सब कुछ प्रभावित हो रहा है और उनके खत्म होने की संभावना बढ़ती जा रही है, जिसमें चमगादड़, मेंढक और विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े आदि शामिल हैं। ये प्राणी और कीड़े मकोड़े हमारी प्रकृति में संतुलन स्थापित करते हैं। शहरों में रहने वाले परिंदों और जानवरों जैसे कुत्तों, बिल्ली, गाय, भैंस के आदि के सोने का अभ्यास बदल गया है। रात में कुत्तों के काटने की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। आसमान में उड़ने वाले परिंदे अपना ठिकाना बदलते रहते हैं, जैसे साइबेरियन पक्षी वगैरह। ये चाँद और सितारों की स्थिति से अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचते हैं, मगर कृत्रिम रोशनी की अधिकता से ये अपने रास्ते से भटक जाते हैं, क्योंकि धरती की तेज रोशनी से इन्हें आसमान में सितारे दिखाई ही नहीं देते। BBAU में इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट डॉक्टर वेंकटेश दत्ता के मुताबिक प्रकाश प्रदूषण का इंसानी स्वास्थ्य पर तत्काल असर तो नहीं दिखाई देता, मगर ये धीरे धीरे हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। नदियों और वनस्पतियों पर भी इसका असर पड़ रहा है। रात में
कृत्रिम प्रकाश की वजह से वनस्पतियों और नदियों में पैदा होने वाले पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ जाती है। दरअसल कृत्रिम रोशनी की अधिकता की वजह से ये पौधे दिन और रात में फर्क ही नहीं समझ पाते, जिससे नदियों में शैवाल बढ़ने लगते हैं, जिससे नदियों का प्राकृतिक बहाव बाधित हो रहा है। उसमें ऑक्सीजन की कमी होने लगी है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगा है। इतना ही नहीं, कृत्रिम रोशनी में रहने वाले पौधों का विकास देर से होने लगा है। डॉक्टर दत्त का कहना है कि चूंकि प्रकाश प्रदूषण के क्षेत्र में बेहद कम शोध हुआ है, इसलिए इस बारे में लोगों की जानकारी बेहद कम है। अब तक प्रकाश प्रदूषण को मापने की कोई विधि ईजाद नहीं हुई है, मगर ये धीरे धीरे हमारे पर्यावरण और पारिस्थितिकी संतुलन को प्रभावित कर रहा है। हम इसे रोक भले ही नहीं सकते, मगर कुछ सावधानियों से इसके दुष्प्रभावों को खत्म या कम कर सकते हैं। याद रखिए कि हम जितना ज़्यादा लाइट लेते हैं, ग्रीन हाउस उत्सर्जन उतना ही ज़्यादा होता है। लखनऊ विश्वविद्यालय में जंतु विज्ञान विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर गीतांजलि मिश्रा के मुताबिक प्रकाश प्रदूषण को रोका नहीं जा सकता, मगर इंसानों को अपना दायरा समझना होगा और उसी में रहना होगा। ये धरती सभी प्राणियों की है, हमें उनके क्षेत्र और उनकी प्राकृतिक जरूरतों और आवास को समझना होगा, तभी इस ग्रह के सभी प्राणी साथ रह सकते हैं। अन्यथा प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा, जिसका गंभीर खामियाजा हमारी आने वाली पीढ़ी भुगतेगी। खैर, प्रकाश प्रदूषण से निजात पाने के लिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी होगी। हमें कोशिश करनी होगी कि आसमान पर ज़्यादा से ज़्यादा अंधेरा रहे और वहाँ रोशनी की पहुँच कम हो, जिसके लिए हमें सार्वजनिक जगहों या खुले स्थानों पर लाइट इस तरह लगाना चाहिए कि उनकी रोशनी आसमान की तरफ न जाए। जिन जगहों पर ज़रूरत न हो, वहाँ रात के वक्त लाइट बंद कर दी जाए। इस तरह इस धरती को हम अपने और अपने आसपास रहने वाले जीवों के लिए रहने योग्य बना सकते हैं।